बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा हल्दी पाउडर डालिए, थोड़ा धनिया पत्ता डालिए, थोड़ा करी पत्ता डालिए, उसके बाद अदरक लहसुन डालिए, उसका बाहर कच्चा मिर्ची डालिए, उसके बाद जीरा अजवाइन डालिए, उसके बाद सोडा डालिए, उसके बाद अच्छे से मिलाने दिए, ऐसा मिलाने के बाद आटा को डालिए, अच्छे से मिला लीजिए, थोड़ा पानी डालकर ऐसे मिलाने के बाद ऐसे मिलाकर रखने दिए, उसके बाद कढ़ाई को रखने दिए, कढ़ाई में तेल डालिए, गरम होने के बाद कैसा लगा प्याज पकौड़े का रेसिपी।